हेलो मित्र, नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन लेक्चर में आपनु स्वागत है। आज नो आपणो विषय है कराटे। आज आप कराटे में शीखीशु फाइट ना स्टम्प स्टेप। तो आप फाइट में पंच नो यूज कर कई रीते पॉइंट लई शकीए ते आज आप शीखीशु। तो मित्रों, सौ प्रथम आप ये जाणवू जरूरी है कि फाइट की अंदर पंच नो यूज कई रीते थाय छे, पंच क्या मारवाथी केटला पॉइंट मळे छे, कई रीते मारवाथी पॉइंट मळे छे, तो ये सौ प्रथम आप जाए। तो सौ प्रथम आप ये जाए मित्रों के पंच छाती पर अटैक करे तो आपने बे पॉइंट एक पॉइंट मळे छे। पछी तमे फेस पर पंच अटैक करो छो तो पण एक पॉइंट मळे छे। तो मित्रों, अथवा तो पेट पर अटैक करो तो पण तमने एक ज पॉइंट मळे छे। पंचनो मित्रों एक ज पॉइंट छे। पण जो मित्र तमे फाइट में सामेवाड़ी व्यक्ति ने नीचे पाड़ी ने पची तेने पंच अटैक करो छो तो तमने त्रण पॉइंट मळे छे। पण अत्यारे मित्रों आपणे नीचे पाड़ी ने पंच अटैक करवानो छे ये नथी शीखवानो। आपणे पहेला अत्यारे फेस पर कई रीते पंच अटैक करवानो छे, छाती पर कई रीते अटैक करवानो छे अने स्टमक पर कई रीते अटैक करवानो छे ये आपणे शीखवानो छे। तो मित्रों जाणीए कि पंच मार्या पछी आपणे पंच ने बराबर रिवर्स लेवानो छे। जो तमे पंच अटैक कर्यो छे पण रिवर्स नथी लीधो तो तमने पॉइंट मळशे नहीं। तो मित्रों आपणे खास ये ध्यान राखवानुं छे कि फाइट नी अंदर आपणे जे सोतोकाननी फाइट छे एनी अंदर पंचनो यूज करीए छीए तो पंच मार्या पछी रिवर्स आवो जरूरी छे। तो मित्रों आपणे ये जाणी लीधुं कि कई रीते आपणे पॉइंट मळे छे पंच द्वारा अने केटला पॉइंट मळे छे। तो हवे आपणे मित्रों जाणीए पंचनो यूज कई रीते करवो फाइटनी अंदर जेथी आपणने पॉइंट प्राप्त थाय। तो मित्रों फाइटनी अंदर तमे आ पोजिशननी अंदर ऊभा छो तो मित्रों खास ध्यान रखो आपणे फूटवर्क। सौ प्रथम मित्रों ये जाणवानुं छे कि आपणो पगनुं जे फूटवर्क छे ये खास सामेवाळा व्यक्तिने मगजमां ना बेसे अने फूटवर्क फाइटनी अंदर जरूरी छे। तो फूटवर्क में मित्रों आपणे आ रीते जे जम्प करीए छीए आ पोजिशन में अथवा तो आ छे तो आपणे जे फूटवर्क करीए छीए त्यारे मित्रों खास ध्यान रखो आपणे सामे जे व्यक्ति छे ए आपणने पंच अटैक करवा आवे छे अथवा तो किक अटैक करो। तो सौ प्रथम आपणे ए जोईए कि सामेवाळी व्यक्ति आपणने ज्यारे किक अटैक करवा आवे छे त्यारे आपणे पंचनो कई रीते यूज करी शकीए। तो आपणे आ पोजिशन में छे सामेवाला व्यक्ति आपने किक मारी तो किक ने अपने डिफेन्स करी से आ रीते डिफेन्स कर पे शू करवा वन स्टेप आग जाने पंचनो अटैक कर हेन्ड्स ने पंच रिवर्स लेवाने पाछू आवा। खास मित्रों याद रखो कि पंच अटैक करो अथवा किक अटैक करो जारे पण आपणे फाइटनी अंदर अटैक करीए छीए पॉइंट लेवा माटे त्यारे के એવું બોલવું કમ્પલસરી છે। જો તમે એવું ના બોલશો તો તમને પોઈન્ટ મળશે નહીં। તો મિત્રો હવે આપણે જાણીએ સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને કિક મારે છે તો કિકનો ડિફેન્સ કર્યો આપણે ડિફેન્સ કર્યો અને પંચ અટેક કરીને પાછું આવ્યા અને કે બોલવું કમ્પલસરી છે। તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ સૌ પ્રથમ હેન્ડ્સનો મુમેન્ટ કિક આવી છે કિકને ડિફેન્સ કરીએ આપણે ત્યાર પછી वन स्टेप आग गया पंच मारो रिवर्स लीधो के रिटर्न आया फरी आ पोजिशन आ रीते आपने वन पॉइंट प्राप्त थाय। तो सामेवाळो व्यक्ति आपने जारे किक मारे छे त्यारे पंचनो के रीते यूज करो आ तो फर्स्ट। पछी हवे आपणे मित्रों बीजी टेकनिक जोईए आ हती पहली टेकनिक पंच द्वारा पॉइंट लेवानी। हवे मित्रों आपणे फरी एक वार एक टेकनिक ने जोई लईए ऊभा छीए के आ तो आपणे पहली टेकनिक। हवे आपणे शीखीए मित्रों बीजी टेकनिक के डायरेक्टली आपणे अटैक करीने पण पॉइंट प्राप्त कई रीते पंच द्वारा करी शकीए। सामेवाळो आपणने अटैक नथी करतो एनी पहेला ज आपणे एने अटैक करीने पॉइंट लई शकीए। तो एनी माटे आपणे पोजिशन उभा छीए ज्यारे रेफरी फाइट स्टार्ट करवानो ऑर्डर जारे आपे छे त्यारे मित्रों आ पोजिशन में आपणे ऊभा छीए जेवुं तेने आपणने ऑर्डर मळ्यो
સ્ટાર્ટ નો તો શું કરવાનું છે, ડાયરેક્ટલી ટેક કરવાનો છે, હેન્ડ્સ મૂવમેન્ટ ધ્યાન રાખો, પહેલાં આગળનો જે આપણો હાથ છે તે બતાવવાનો છે, જેથી કરી શું સામેવાળાને કન્ફ્યુઝન થાય. આપણે આ ટેક કરવાનો છે સેકન્ડ હેન્ડથી, પહેલાં જે હેન્ડ છે એ ખાલી સામેવાળાને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે યુઝ કરવાનો છે. તો શું જેવો ઓર્ડર મળ્યો આ તે કર્યું, તો એ શું કરશે ડિફેન્સ માટે હેન્ડ્સ ઉપર કરશે, આપણે બીજા હેન્ડસે પાંચ અટેક કરવાનો છે. ફરી મિત્રો બરાબર જોઈએ, સ્લોલી આવી રીતે આપણે અટેક કરવાનો છે. તો આ હતો મિત્રો પંચ દ્વારા પોઈન્ટ કઈ રીતે ફાઇટમાં લેવા, તે ટેકનિક પહેલી ટેકનિક અને બીજી ટેકનિક. તો આજે આપણે મિત્રો બે ટેકનિક શીખી ગયા. આજનો આપણો લેક્ચર અહીં પૂર્ણ થાય છે અને આવતા લેક્ચરમાં આપણે મિત્રો કિક દ્વારા પોઈન્ટ કઈ રીતે લેવા તે આપણે શીખીશું, અને સામેવાળી વ્યક્તિને નીચે પાડીને પોઈન્ટ પંચ દ્વારા કઈ રીતે લેવા એ શીખીશું. તો મિત્રો ફરી મળીશું, અસ્તુ.